हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक तो फ्रेंड्स द ट्वेंटी टू सालों का इंतजार खत्म तैनाती शुरू डीआरडीओ ने बना डाला एस फाइव हंड्रेड का बाप वेरी नाइस वेरी नाइस क्योंकि अभी जो न्यूज सुनी उससे तो हो रहा था कि भैया ये क्या चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को मिलिट्री वाइज बहुत स्ट्रॉग होना आप तो तो वीडियो शुरू करते हैं और पता करते हैं डिटेल्स और हैप्पी एंड प्राउड फील करते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बिलाईकन बिल को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर चलिए शुरू करते हैं देखिए इसमें क्या है कि अभी रशिया और यूक्रेन की वॉर हो रही है तो लोग बहुत ही ध्यान से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं क्योंकि लोगों को पता है कल को अगर वॉर हुई तो आपके साथ भी वही होगा स्पेशली अगर आप छोटे हैं रशिया से जो मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड है <laughs> रशिया का बहुत बड़ा साइज़ है राइट right? इतना बड़ा साइज़ है कि आप हर कंट्री जो है ऑलमोस्ट उससे छोटी है अदर देन प्रावली मतलब आज वक्त मेरे ख्याल से कोई भी नहीं अदर देन कनाडा में भी थोड़ा सा पास आता है तो और सब छोटे हैं सबको यही है कि अगर तुम्हारे बड़े नेशन से फाइट हो जाएगी तो तो क्या होगा तुम्हारा कितने तुम रेडी हो क्या कर सकते हो तो वो यूक्रेन को देख रहे हैं यूक्रेन छोटा नेशन है वो क्या कर रहा है पहले वो दिखा रहे हैं कि, कि आपको एक संगठन चाहिए आपको ऐसा चाहिए कि आपके साथ आप अकेले ना हो आपके साथ बीस तीस बंदा और हो कंट्रीज countries. कंट्रीज countries. Hmm. आप तो और कंट्रीज बोले देखो भैया अगर तुम मुझ पे अटैक कर रहे मैं अकेला नहीं हूं ये मेरे साथ 20-25 hmm. और फिर तुम्हारी फाइट एक से नहीं हो रही 20-25 से हो रही है, है। इसीलिए नेटो आ रहा है बिल्कुल अब ये हो गया है यूक्रेन ये बता रहा है कि भाई तुम यूक्रेन से फाइट नहीं कर रहे पूरे वेस्ट से फाइट कर रहे हो पूरा यूरोप ले रहे हो पूरा यूएस ले रहे हो ये पूरा मिला मुलुक है इससे तुम्हारी फाइट हो रही है सिर्फ यूक्रेन से नहीं हो रही पहले बात तो ये उसने बताया दूसरा उसने ये दिखाया कि रशिया क्या दिखा रहा है रशिया कह रहा है कि ओके हम तुमसे ज्यादा पावरफुल हैं हम तुम्हारी लैंड लेंगे तुम हमारे एरिया में एक भी मिसल नहीं फेंक पाओगे मतलब यूक्रेन एक भी मिसल नहीं फेंक पा रहा फेंकना नहीं चाहता क्योंकि फिर और वॉर बढ़ जाएगी और फिर रशिया बोलेगा ओ तुमने मेरे पे मारा हम तो तुम्हें पूरा खत्म कर, कर देंगे, देंगे। इसलिए अब क्या हो रहा है कि जो पार्ट रशिया ने लिया है वहां पर यूक्रेन फायर कर रहा है कि मैं अपना पार्ट वापस दे रहा हूं क्योंकि तो वो बोलेंगे मेरी टेरिटरी है फाइन उसके बाद जो उनको ये पता लगा है कि अगला जो बंदा है वो आपके किसी भी चीज को उड़ा सकता है आपके पावर ग्रिड उड़ा सकता है आपके जो है लोगों की बिल्डिंग्स उड़ा सकता है आपकी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स उड़ा सकता है आपके जो मॉन्यूमेंट्स हैं कोई जैसे बहुत ही अच्छा मोन्यूमेंट है उसको उड़ा सकता है किसी चीज को भी आपके उड़ा सकता है मैसेज देने के लिए राइट जैसे जब वॉर हुई थी तो ताजमहल को कवर किया गया था कि पता ना चले ताजमहल कहाँ है पूरा घुप अंधेरा कर दिया था तो दूसरा एनिमी तो यही करता कि तुम्हारी जो क्रिटिकल चीजें हैं उनको हम उड़ाएंगे तो क्या पता लगा लोगों को कि एयर डिफेंस सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है अगला बंदा आप मिसल फेंके अगर कुछ भी उड़ा सकता है तो तुम्हें क्या करना है तुम्हें अपने ऊपर एयर शील्ड बनानी है आप हर मिसिल जो वो फेंकता है उसको आप इंटरसेप्ट करिए डिस्ट्रॉय कर दीजिए चाहे और आपको इतने बड़े मिसिल के छोटा सा चूहा भेजना है जैसे एक बर्ड होती है बर्ड से इकटे करके पूरा गिर जाता है तो आपको वैसे ही करना है आपको छोटे छोटे रखने जो जाएंगे उसके बड़े से टक्कर मारेंगे आपका कोई नुकसान नहीं होगा उसको टक्कर मारने का उनका का उनका करोड़ों अब एयर डिफेंस ही हो गया फिर उन्होंने चाल चली रशिया ने ओ अच्छा मतलब हम जो भेजते हैं तो अभी तक जो रशिया भेज रहा है एट्टी परसेंट इंटरसेप्ट कर लेता है यूक्रेन ट्वेंटी परसेंट नहीं कर पाता है फिर उन्होंने चाल चलाई है कि वो ड्रोन यूज करेंगे अब ड्रोन को कैसे इंटरसेप्ट करोगे तो वो नई टेक्नोलॉजी चाहिए कि ड्रोन को इंटरसेप्ट कर सके दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम डिफेंस से जुड़ी दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं जहां हमारी पहली खबर भारत के एक ऐसी मिसाइल सिस्टम से जुड़ी हुई है जो कि चीन और पाकिस्तान की तरफ से आने वाले हर तरह के मिसाइल खतरों का सामना करने में सक्षम है और इससे भारत को वह सुरक्षा मिलेगी जो की हमारे लिए मौजूदा समय में सबसे ज्यादा जरूरी है वही आरोप हमारी दूसरी खबर एक ऐसे ड्रोन ऐसी जुड़ी हुई है जो की पाकिस्तान और चीन की तरफ ऐसी आने वाले खतरों का सामना करेगा और काफी बड़ी क्षमता प्रदान करने वाला है तो दोनों ही खबर भारत के डिफेंस हैं काफी बड़ा इजाफा लेकर दोनों ही खबरों के बारे आ, में विस्तार आ, से आ. समझते हैं दरअसल दोस्तों डीआरडीओ आर डी ओ की तरफ ऐसी काफी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है जो कि भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से जुड़ी हुई है और इस खबर के तहत अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि भारत ने अपने एडी टू इंटरसेप्टर मिसाइल का फेब्रिकेशन शुरू कर दिया है जो की हमारे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फेज टू की दूसरी मिसाइल है एडी मिसाइल का फेब्रिकेशन तो अभी शुरू किया गया है लेकिन इसके परीक्षण साल दो के अंत या फिर साल 2024 के शुरुआती महीने में किया जा सकता है साथ ही डीआरडीओ ने यह योजना भी बनाई है कि साल 2025 तक बी सिस्टम के फेज टू की दोनों मिसाइलों को वैलिडेट कर लिया जाएगा ताकि इसकी तैनाती जल्दी ऐसी जल्दी शुरू की जा सके वहीं पर आपको ये बात जानकर काफी खुशी होगी की दिल्ली एनसीआर और मुंबई के आस पास सिस्टम की तैनाती शुरू कर दी गयी है जिसके तहत सिस्टम में फेज वन की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो की मौजूदा समय में दो किलोमीटर तक सुरक्षा प्रदान कराने में सक्षम है यानी कि अपने फेज वन में भी हमारा स्वदेशी बी सिस्टम काफी कारगर है सिस्टम को ऐसे तैनात किया जाएगा कि ये पूरे भारत को सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम होगा और जब इसकी तैनाती पूरी कर ली जाएगी तब ये पाँच हजार किलोमीटर तक दुश्मन के किसी भी मिसाइल को तबाह करने में सक्षम होगा चाहे वह एम टेक्नोलॉजी ऐसी लेस मिसाइल क्यों न हो जो की भारत के लिए अपने दुश्मनों के खिलाफ एक काफी बड़ा एडवांटेज है भारत ने कुछ समय पहले ही एडी मिसाइल का सफल परीक्षण किया था जो की एक किलोमीटर ऐसी लेकर तीन किलोमीटर तक दुश्मन की तरफ ऐसी आने वाली मिसाइलों का तबाह करने में सक्षम है अभी इस मिसाइल के और भी कई परीक्षण किए जाएंगे जिससे इसकी क्षमता को सही मायने में वैलिडेट किया जा सकेगा जिसके बाद इसे तैनात करने के लिए अप्रूव कर दिया जाएगा वहीं पर एडी मिसाइल का भी फैब्रिकेशन शुरू कर दिया गया है जो कि 3000 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की तरफ ऐसी आने वाली मिसाइलों को तबाह करने में सक्षम है जिसका परीक्षण साल दो के शुरुआती महीने में शुरू कर दिया जा सकता है लेकिन क्यूँकी डीआरडीओ ने यह लक्ष्य तय किया है की बी फेज टू की इन दोनों ही मिसाइलों को साल दो तक पूरी तरह ऐसी वैलिडेट कर दिया जाएगा इसीलिए इस बात की संभावना जताई जा सकती है कि इन दोनों ही मिसाइलों का परीक्षण एक साथ चलते रहेगा ताकि सही समय पर विकास किया जा सके लेकिन इतना ही नहीं बल्कि डीआरडीओ बीएमडी सिस्टम के लिए लॉन्ग रेंज स्कैनिंग रडार का भी विकास भी साल 2025 तक पूरा कर लेना चाहता है जो की पंद्रह किलोमीटर तक दुश्मन की मिसाइलों को स्कैन कर सकता है यानी की कुल मिलाकर बात करें तो इस बात में कोई भी शक नहीं है की भारत अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का फेज टू भी जल्दी पूरा कर लेगा और इसकी तैनाती भी फुल स्केल आरोप जल्दी ही शुरू कर दी जाएगी जो की हमारी सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है साथ ही ये भारत को चीन और पाकिस्तान पर एक काफी बड़ा एडवांटेज भी देगा जो कि हमारे लिए काफी अच्छी खबर है बहरहाल दोस्तों बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ और ये खबर इसराइल की तरफ ऐसी निकल कर आ रही है जिसके तहत इसराइल ने भारत को अपने एक ऐसे विश्व स्तरीय ड्रोन का ऑफर दिया है जो की हमारे सैन्य क्षमता को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकता है साथ ही ऐसी काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेरिज्म के साथ साथ शहरी इलाकों में युद्ध लड़ने वाले जवान और ज्यादा इसराइल ने भारत को अपना लेनियस ड्रोन ऑफर किया है जिसकी सबसे बड़ी खासियत तो यह है की हथियार ले जाने के साथ साथ किसी भी इलाके का थ्री मैप तैयार कर सकता है जो कि युद्ध लड़ते समय या फिर शहरी इलाकों में ऑपरेशन के समय काफी महत्वपूर्ण साबित होगा जिससे हमारे जवानों को हालात का अंदाजा सही तरह ऐसी लग सकेगा इतना ही नहीं बल्कि ये ड्रोन दुश्मन की पहचान करके हमारे जवानों को सीधे जानकारी प्रदान कर सकता है वही आरोप जरूरत पड़ने आरोप इसके अंदर लगे हथियारों का इस्तेमाल कई अलग अलग तरह ऐसी किया जा सकता है जो की हमारे स्पेशल फोर्सेज के लिए किसी भी ऑपरेशन में काफी मददगार साबित हो सकता है इसराइल के द्वारा भारत को ऑफर किया गया लेनियस ड्रोन विश्व स्तरीय और कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ आता है जो कि भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है हालांकि ये देखना काफी रोचक होगा कि क्या भारत इसे प्रोक्योर करेगा या फिर नहीं और अगर हम लेनियस ड्रोन को अपनी सेवा में शामिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो इसे कितनी संख्या में खरीदा जाएगा बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही डिफेंस ऐसी जुड़ी हुई ये दोनों खबर अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में एक जहन जरूर लिखेगा साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर ऐसी जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद पहुंच गई और जैसे, और जैसे तो तो वो उड़ रहे हैं जा रहे हैं ऐसे लग रहा है कोई मक्खी सी और छोटी सी जो जा रही है क्या टेक्नोलॉजी हो रही है डिफेंस के लिए और कह रहे कि लेते हैं क्या नहीं लेते हैं हम लोग पर मुझे तो ये सोच रही थी यार हम बनाए ऐसे मजे वो मोदी जी के हर एक मान होता है कि आप बोलिए लेते हैं आप लीजिए उसको पूरा तोड़ तोड़पाड़ करिए रिवर्स इंजीनियर करिए और अपना बनाइए पूरी वर्ल्ड ने ऐसे किया मोदी जी को भी पता है कि कब तक खरीद करेंगे वो तो पता ही है उनको। अपना ही बनाएंगे और अपना बेचेंगे और उन लोगों ने सिस्टम लगा रखे हैं कि डिस्ट्रक्शन प्रूफ की जैसे तोड़ोगे अंदर लीक हो जाएगा ये हो जाएगा फट जाएगा जो भी है मगर किसी भी तरीके से आपको रिवर्स इंजीनियर करना है या फिर उसको सिर्फ कंपेयर करना है अपनी चीज़ से बिल्कुल आप देख लीजिए अच्छा सैंपल है हम अपना बनाते हैं इतनी टेक्नोलॉजी है हमारे पास अपना बनाते हैं जो इससे कंपेरेबल हो तो देखने क्या होता है मगर डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्लान से हमारे खुद के ड्रोन भी आएंगे जो और आ भी रहे हैं ड्रोन सिर्फ ये ये दूसरा वाला आ रहा है और भी ड्रोन आएंगे